उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक डकैती कांड होता है। उस कांड के बाद से यूपी एसटीएफ एक इनकाउंटर करती है और इनकाउंटर में आरोपी मंगेश यादव को ढेर कर देती है। अब मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया तो यूपी पुलिस सवालों के घेरे में गिर गई। समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दल योगी सरकार को घेर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार जाति देख करके इनकाउंटर कर रही है। सपा प्रमुख ने तो जो इनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव उसके परिजनों से मुलाकात की। इसके अलावा सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भी मंगेश यादव के गांव पहुंचा था। संजय सिंह तो यहां तक कह रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं कि योगी सरकार जाति देख करके इनकाउंटर कर रही है। चंद्रशेखर रावण ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब पूरे मामले पर जो है सियासत गर्म हो गई है और ये पूरा मामला अब जातिगत एंगल की तरह सामने आ गया है और ये योगी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जाति देख करके योगी सरकार में इनकाउंटर हो रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो यादव है मंगेश यादव इसीलिए उसका इनकाउंटर किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार पिछड़ों और दलितों का ही सिर्फ इनकाउंटर करती है जबकि अन्य जाति के जो तथा कथित या अन्य जाति के जो अपराधी हैं उनको छोड़ रहे। तो ऐसे में ये बड़ा जो है यूपी का मामला जो है काफी गर्म हो गया है। अब पूरी तरीके से योगी सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है। समाजवादी पार्टी यहां तक मांग कर रही है कि इनकाउंटर में जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल अब योगी सरकार पर तीखे सवाल दाग रही है। अब समाजवादी पार्टी मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों पर FIR दर्ज कराने की बात कर रही है। वहीं मंगेश इनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने पहले से ही योगी सरकार को घेरने के लिए फ्रंटफुट पर खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद परिजनों का हालचाल जाना है। उन्होंने पार्टी के ही धनंजय यादव के मोबाइल फोन पर कॉल करके मंगेश की माँ बहन और पिता से बात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, कहा कि समाजवादी पार्टी हर परिस्थिति में उनके साथ है, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। सपा नेता लाल बिहारी यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस भी बताया है। सपा नेता ने इनकाउंटर को फर्जी बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे यहां पर भेजा है कि घटना की जानकारी करने और घटना के संबंध में FIR दर्ज कराने के लिए। मैं यहां पर आया तो परिवारजनों से मिला, गांव और अगल बगल के लोगों से जो है मुलाकात किया। मृतक मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव ग्राम अगरौरा थाना बक्सा को 2 तारीख की रात में 2 बजे के लगभग पुलिस यहां से ले गई और उसकी माँ और उसकी बहन मंगेश की यह आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर 2 दिन पुलिस जो है आती रही कि अभी अभी लड़के की आपकी पूछताछ हो रही है और पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। तब गांव वाले जाकर के पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर से मृत शरीर को यहां ले आए और पुलिस भी साथ आई। पुलिस यहां से उठा के ले गई और हत्या करके पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहां पर पहुंचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी FIR दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हुए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। जहाँ तक मुझे जानकारी है जो दिया गया उसमें छोटी छोटी घटनाएं, चोरी की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई गई हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो तो क्या किसी के का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ़ पहले चोरी की छोटी बड़ी है
तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी, जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है। लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई तो उस FIR के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए, यह तो सीधे हत्या है। उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज़ आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है, फिर सौ को बता रही है और सौ को फिर ले आके पहुंचा रही है। कहाँ की पुलिस थी, सुल्तानपुर या जौनपुर? अब ये तो रात में वो महिला थी जो उनकी माँ थी शीला, और उनकी बहन थी जो 16 साल की है, वह चाहे कोई भी रहता तो ये क्या पहचानता कि कहाँ की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है कि जौनपुर की पुलिस है। पुलिस तो अब केवल जानती थी लोग जो है कि भाई वर्दी में है तो पुलिस है। एनकाउंटर में सिर्फ मंगेश की ही जान जाने पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, जो वहाँ पर इनकाउंटर फर्जी दिखाया जा रहा है और उनके विषय में मुझे नहीं जानकारी कि वो कौन से लोग हैं जिनको पैर में गोलियां मारी गई जो है। लेकिन जान से भी मंगेश की गई ना? और जान से मारा गया, जो मैंने डेड बॉडी को देखा तो यहाँ कनपट्टी पे यहाँ पर गोली मारी गई है, और शरीर में कहाँ मारी गई उसको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक मैंने देखा है कि कनपट्टी को पर गोली मारी गई है जो है। सर, FIR उन्होंने क्या कहा? FIR के लिए SP से मैंने बात किया, SP महोदय ने FIR लेने से इनकार किया। हम लोग जो है CO महोदय को FIR की कॉपी FIR दर्ज करने के लिए दे दिया है, और SP महोदय को, DM महोदय को हम जो है स्पीड पोस्ट से FIR की कॉपी भेज दिए जो है, और ऑनलाइन भी FIR जो है कर देंगे जो है। इसके बाद आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और FIR दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। गौरतलब है सुल्तानपुर डकैती कांड में UP STF ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था। अब अखिलेश यादव ने डकैती को लेकर सवाल दागे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा कि सवाल ये है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया, जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे, सवाल गंभीर है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एनकाउंटर शाफनिक हत्या का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर पर मंगेश की मां ने सवाल उठाया है। उनका कहना है पुलिस ने सितंबर की रात पूछताछ के बहाने घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी, यह चिंता का विषय है। एनकाउंटर सरकारी हत्या का साधन बन गया है, यह मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की मांग करता हूं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। अब सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में एनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। जब कोई सरकार अपराधी की जात देखकर एनकाउंटर करे तो समझिए उसके पतन का समय आ चुका है। चाहे लखनऊ ताज होटल के सामने छेड़खानी का मामला हो या सुल्तानपुर लूट कांड में एनकाउंटर का, भाजपा सरकार OBC समाज के लोगों के पीछे पड़ गई है। दलितों, पिछड़ों और OBC के खिलाफ कार्रवाई करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता बन गई है। गौरतलब है सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप दिनदहाड़े डकैती मामले में आरोपी मंगेश यादव का पुलिस ने गुरुवार सुबह एनकाउंटर किया था। 1 लाख का इनामी मंगेश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। STF ने उसे घेरा तो वह फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी। मंगेश यादव जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के अगरौरा गाँव का रहने वाला था। तो देखा आपने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के, मंगेश यादव एनकाउंटर मामले को लेकर के, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, और अब ये पूरा एनकाउंटर जातिगत एनकाउंटर बन गया है, और इस एनकाउंटर के जरिए विपक्षी दल योगी सरकार पर तमाम तीखे सवाल दाग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।